नहीं आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। We are exerting more pressure. Together. We are already exerting pressure. This press conference is a means of exerting pressure. But more than exerting pressure, I think the thing to understand is that this is not about farming. This is about the creation of massive monopolies in this country that are going to take away wealth from the people of India. This is the crux of it. Please tell me one industry in India today, just name it for me, which is not monopolized by the same 5-6 people. That is the real crux of the issue. The farmers are, this is the first step, but you will see after the farmers, India will not be able to produce jobs. Why is it that the Indian economy has gone from the worst, from the best performance to the worst performance? सिद्धार्थ फ्रॉम ANI। सर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा कि आप किसानों को बरगला रहे हैं, आप किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पहला सवाल में रही है आपको। दूसरा ये है कि अब विपक्ष के कई नेताओं ने ये भी कहा कि राहुल गांधी हैं जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस करंट इक्वेटोरियल रेजिम से, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बड़े रोल में आके अपोजिशन को एक करना चाहिए? अभी मुझे हाँ, ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है। जेपी नड्डा साहब के मुझे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप किसान, देखिए जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय